हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, जिसमें हम देखने वाले हैं दो 22nd में न्यूली लॉन्च गाड़ियों का, एक आपकी ग्रैंड विटारा और एक ब्रेज़ा है, दोनों ही सेम ब्रांड से आती है। तो सबसे पहले वीडियो के थोड़े बहुत क्रेडिट्स दे देते हैं जिनसे मैंने वीडियो ली है। तो पहली तो मैंने वीडियो ली है आपकी शिवम मोटर्स, उनसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो डाली थी, तो मैंने उठा लिया। आपका नेक्सा ऑफिशियल एक्सपीरियंस ली है, दूसरा MSA एरिना ऑफिशियल, तो मतलब तो इनका ऑफिशियल ले लिया, फिर भी मैंने दे दिया। और जो हमने सेकंड वीडियो ली है वो संस्कारी सुमित भैया से ली है, उनकी ब्रेज़ा की, तो उन्होंने ब्रेज़ा का रिव्यू किया था, जो पर्टिकुलरली वेरिएंट हमको चाहिए। तो आई होप कि कॉपीराइट क्लेम ना आए, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा सारी वीडियोस का, तो आप एक प्लीज़ चेकआउट कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी वो। तो आपको पूरा मतलब एक समझ सकते हैं ना, एक अच्छा बंदा बताएगा तो और समझ में आएगा, मेरे से तो ज़्यादा ही अच्छा आता है उन्हें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेकंड ब्रेज़ा है जो काफ़ी ज़्यादा सही लगती है, चंकी लगती है, और रेंज रोवर से तो थोड़ा इसका ताल्लुक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं ग्रैंड विटारा से। तो हमने जो पर्टिकुलर वेरिएंट लिया ना ग्रैंड विटारा का, वो हमने डेल्टा लिया है। देखो मैंने जो दोनों के वेरिएंट लिया, वो प्राइस ना दोनों का ही सेम है, तो मैंने इसका डेल्टा वेरिएंट लिया, जो आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत अच्छा वेरिएंट है, जिसमें आपको अलॉय व्हील्स भी मिलते हैं। यस, आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं इस गाड़ी में। सो बात करते हैं इसके बारे में। ऑन रोड आपको ये गाड़ी पड़ जाएगी अराउंड 13,70,000 के आसपास, तो गाड़ी का प्राइसिंग सही है। माइलेज क्लेम कंपनी का 21 का है। आपको डिस्प्लेसमेंट 1500 cc में मिलेगा, 101 bhp रहने वाली है, 136 Nm का टॉर्क मिलने वाला है। ट्रांसमिशन इसमें मैनुअल रहेगा, आपकी 45 लीटर की वो होगी फ्यूल टैंक कैपेसिटी होगी। आपको ड्राइविंग एयरबैग मिलेगा, आपको एयर कंडीशन मिलेगा, पावर स्टीयरिंग, पैसेंजर एयरबैग, पावर विंडोज़ मिलेगी, आपको टच स्क्रीन मिलेगी, आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा, आपको फुल लोडेड फीचर्स मिलते हैं इस गाड़ी में। और साइज़ तो नो डाउट इस गाड़ी का ज़्यादा बड़ा रहने वाला है ब्रेज़ा से, क्योंकि यार ये गाड़ी लुक्स में ना नो डाउट बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। साइज़ की बात करें तो 4345 mm की लेंथ है, विड्थ आपकी 1795 के, हाइट आपकी 1645 के। तो डायमेंशन इस गाड़ी की नो डाउट बहुत ज़्यादा यूज है, जो मेरे को सही लगा, मतलब ब्रेज़ा से तो अच्छी डायमेंशन है। आपका ग्रॉस वेट इसका 1645 का है, तो ग्रॉस वेट भी आपका सही है। आपको इंटीरियर में लोडेड फीचर्स मिलते हैं, जिसमें आपको टच स्क्रीन मिलता है, आपको इलेक्ट्रॉनिक मल्टी ट्रिप मीटर मिलता है, आपको फैब्रिक अपहॉल्स्ट्री मिलती है, लेदर सीट्स का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। और फ्रैग भी अच्छी क्वालिटी है, मतलब इस गाड़ी में अच्छी क्वालिटी यूज़ करिए। डिजिटल क्लॉक मिलती है, आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले मिलता है, हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट मिलती है, वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन ना इस गाड़ी में नहीं दे रखा है, आपको इस वेरिएंट में नहीं दे रखा है। आपको डुअल टोन का डैशबोर्ड मिलता है, आपको एडिशनल फीचर्स में अगर कह लेना 10.6 cm का इंफोटेंट डिस्प्ले मिलता है, जो काफ़ी ज़्यादा सही है, मतलब इस वेरिएंट में भी आ रहा है, क्योंकि प्राइसिंग के हिसाब से काफ़ी सही लगी ये गाड़ी मेरे को। तो ये था इस गाड़ी के बारे में, लोडेड फीचर्स में मिलती है आपको, और आपको बताना होगा कि अगर ये गाड़ी आप लेने जाएं तो क्या आप ये वेरिएंट चूज़ करेंगे, क्योंकि ये मेरे को वैल्यू फॉर मनी लगा। देखो सीट्स आप 1200 लगा सकते हैं नो डाउट, आपको इसमें अलॉय व्हील्स मिलने हैं, आपको LEDs मिलनी है आगे पीछे, और लुक्स तो यार टोयोटा हाई क्रॉस हाई राइडर से ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मेरे को इस गाड़ी की लुक्स, क्योंकि उसकी लुक्स मेरे को कुछ ज़्यादा खास नहीं लगी, मोर ओवर इलेक्ट्रिक लगी वो। सो अगली गाड़ी आपकी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है, तो अगली गाड़ी हम देखने वाले हैं स्ट्रेट अवे ब्रेज़ा। तो ब्रेज़ा की ना मैंने पहले फोटोज़ ली थी संस्कारी सुमित भैया से, तो फोटोज़ आप देख लीजिए। फ्रंट में आपको कुछ गाड़ी ऐसे मिलने वाली है, फॉग लैंप्स इस पर नहीं होगी, पीछे आपको ब्लैक का और नीचे आपको ब्लैक और सिल्वर का मिलने वाला है, और ग्रिल्स थोड़ी बहुत ऊपर है। मेरे को ना इसके DRLs अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए मेरे को गाड़ी कुछ ज़्यादा खास अच्छी नहीं लगती है। पीछे से किस गाड़ी की लुक्स अच्छी है, साइड से लुक्स अच्छी है, लेकिन आगे से DRLs थोड़े बहुत अजीब से लगते हैं इसके। तो ये आपका फ्रंट लुक मिलने वाला है जो वेरिएंट हमने लिया है, तो आप पहले फोटोज़ देख लीजिए। इसमें आपको अलॉय व्हील्स मिलेंगे, आपको क्लैडिंग मिलेगी मोटी मोटी, आपको थर्ड तक आपको पूरा शीशा मिलेगा, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और पहले आधा होता था ना पूरा ग्लास कर देते, तो काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। आपको डोर में आपको मिरर में ही आपको इसमें इंडिकेटर मिल जाएगा, ना ही आपको कोई फेंडर वेंडर में नहीं मिलता, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मेरे को। सो अब देख लेते हैं बैक प्रोफाइल। बैक से भी काफ़ी ज़्यादा हाइब्रिड की ब्रांडिंग है, ब्रेज़ा की ब्रांडिंग है। आपको टेल लैंप मिलती है, और आपको नीचे क्लैडिंग मिलती है सिल्वर और ब्लैक की, जो काफ़ी ज़्यादा सही लगती है, मतलब ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है। तो जो हमने इसका वेरिएंट लिया है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि प्राइस सेगमेंट आपका विटारा से मैच खाता है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आपको कौन सा लेना है। तो इसका ऑन रोड प्राइस आता है आपका 12,73,000 का आता है, जिसमें आपको मिलती है 101 bhp, पावर दोनों में सेम है, आपको 19 की माइलेज मिलती है, उसमें आपको माइलेज ज़्यादा मिलती है, इसमें बूट स्पेस आपको 328 की मिलती है, इसमें फ्यूल टैंक थोड़ा सा बड़ा है 48 का है, और पावर दोनों की ही सेम है गाड़ियों की। आपको अलॉय व्हील्स मिलता है, पावर रियर विंडोज़ मिलती है, आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है, आपको टच स्क्रीन मिलती है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, पावर स्टीयरिंग मिलता है, आपको पैसेंजर एयरबैग मिलता है, आपको ड्राइवर एयरबैग मिलता है, एयर कंडीशनर मिलता है, मतलब आपको इस गाड़ी में लोडेड फीचर्स मिलते हैं। 5-speed का गियरबॉक्स रहने वाला है। आपके जो इसकी डायमेंशन है ना, नो डाउट क्रेटा से मतलब ग्रैंड विटारा से छोटे रहने वाले हैं। जैसे आप देखिए लेंथ इसकी 3995 की है, मतलब आपकी 4000 भी नहीं है, सब 4 meter गाड़ी है यार, 4000 क्यों होगी। विड्थ आपकी 1790 की है, हाइट आपकी 1685 की है। आपको 5 पंडे बिठाने की जगह मिल जाएगी, लेकिन
उससे तो कमी होगी जगह, क्योंकि उसकी स्पेसिंग ज़्यादा अच्छी है। आपको हीटर मिलता है, आपको एयर कंडीशन मिलता है, आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, लो फ्यूल वार्निंग लाइट्स मिलती है, एक्सेसरी पावर आउटलेट मिलता है, ट्रंक लाइट मिलती है, रियर सीट हेडसेट मिलता है, आपको लोडेड फीचर्स इसमें भी मिलते हैं। लेकिन अब बात आती है ना चॉइस की, कि आप कौन सी चूज़ करेंगे। कि अगर आपको गाड़ी लेनी है तो मैं नो डाउट हैंड विटारा करूँगा यार, क्योंकि न्यू लॉन्च है, मतलब नया प्रोडक्ट है ये, तो जनरेशन के चेंज है। तो ग्रैंड विटारा प्राइस के हिसाब से भी अच्छी है, आपको इंटीरियर में भी टच स्क्रीन वगैरह मिल रही, आपको सब फीचर्स मिल रहे यार, बस आपको कमी क्या है, मतलब आपको कमी क्या है उस गाड़ी में। आप फैब्रिक को बदले लेदर अपहोल्स्ट्री कहीं से भी करवा सकते हैं, बाहर से मुश्किल से 5000 या 3000 में डिफरेंस आएगा, वो आपको पड़ती है 1377,000 की। ग्रैंड विटारा ये 1373 की बड़ी है, तो 4000 के डिफरेंस में नो डाउट ग्रैंड विटारा एक बेटर चॉइस रहने वाली है, क्योंकि आपको घर लाएंगे ना तो नया प्रोडक्ट आएगा। सो ये था आज की वीडियो में, तो जिनने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लेना, 600 सब्सक्राइबर का एम है, 504 सब्सक्राइबर होंगे। सो आज की वीडियो में तैयार रखते हैं, टिल देन बाय बाय। अगली वीडियो शायद होंडा WRV के ऊपर आने वाली है, सो टिल देन बाय बाय।